अलवर में कब्रिस्तान का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। नीब समाज शहर के करबला मैदान में एकजुट हुआ। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया कमेटी व नीब समाज के प्रमुख लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने की तैयारी व उनके समक्ष कब्रिस्तान की भूमि के मामले में अपनी परिवेदना व्यक्त करने को लेकर एक बैठक की। नीब समाज के सपात मैनेजर व मंत्री नसरू खान ने कहा कि कब्रिस्तान की जमीन के मुद्दे पर जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में एसआईटी बनाई गई, लेकिन एसआईटी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सभी मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले की कार्रवाई की गई है, तो उसको उम्मीद है कि इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि अलवर में कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को लेकर मेव समाज के नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि ये नेता जहां भी यह जाएंगे वहां काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया जाएगा। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर पूर्व में भी कई बार काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला गया है और मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनन दंडात्मक कार्रवाई की मांग के साथ ही पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग की जाएगी। मीटिंग हमारी वही अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की, वही चमेलीबाग कब्रिस्तान को लेकर के जो अभी तक उलझा हुआ है, हमारा विरोध प्रदर्शन और वो सब चल रहा था। इस बीच में सीएम साहब का प्रोग्राम बन गया था आज का, फिर वो प्रोग्राम अभी पोस्टपोन होकर के 12 तारीख का बन गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सीएम साहब ने इसमें पहले भी इंटरेस्ट लेकर के और शुरू कार्रवाई की थी, उनको रोक दिया गया था। तो हम ये अभी ये कहेंगे कि सीएम साहब से मिलकर के हम हमारी वेदना व्यक्त करें और उसी हिसाब से अभी सलाम और शुरू करके कैसे कैसे वहां पर चलें, कैसे कैसे जाएंगे, जाकर के हम अपना वहां पर सारी बातें रखेंगे। वो वहां पर हो सकता है इतनी ज्यादा बात नहीं हो, तो फिर वो जहां कहीं भी मुनासिब समझेंगे उस हिसाब से आगे बात करके इस मामले को रिजोल्व किया जाए। कितने लोग जाने की अभी आप उम्मीद कर रहे हैं? वो ही तैयारी कर रहे हैं अभी। हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह की मांग मुख्यमंत्री से की जाएगी। अभी तो सिंगल प्वाइंट पे है कि ये जो समझौता हुआ पड़ा है, जो रिजोल्व हुआ पड़ा दिसंबर से और वो लागू नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और फिर उसमें कौन कौन फॉल्ट लाइन पर रहे जिन्होंने होने के बाद में भी नहीं किया। जैसे खासतौर से एसआईटी का मामला है, एसआईटी में क्या कार, जब एसआईटी तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई, उनकी 4 महीने की क्या कार्रवाई है? शून्य कार्रवाई, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ये भी तो एक चीज है ना भाई, नहीं करने का तो नहीं करी, अब करेंगे या कब करेंगे, ये कोई बात नहीं होती।